नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडिया के अंदर सैमसंग की तरफ से M21 2021 एडिशन लॉन्च हो चुका है। दोस्तों आज मैं आपसे इसी फ़ोन के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपके लिए कितना बेस्ट है, कितना वैल्यू फॉर मनी है और दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्या क्या ऐसे फीचर मिलते हैं जो इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा बनाते हैं और दोस्तों इसकी प्राइस क्या है और ये आपको कब से मिलना शुरू होगा, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और दोस्तों उससे पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली सैमसंग ने इंडिया में अपना एम सीरीज का M21 2021 एडिशन जो कि दोस्तों लॉन्च हो चुका है और दोस्तों इसकी जो सेल है जो होगी 26 जुलाई से सेल स्टार्ट इसकी होने वाली है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है दोस्तों 11,500। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इस फ़ोन के फीचर के बारे में कि इस फ़ोन में हमें 11,500 में क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। दोस्तों इसके कैमरे की बात करें तो इसके बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका दोस्तों मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा दोस्तों इसका 8 मेगापिक्सल का और तीसरा है 5 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों कैमरा भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा है। सैमसंग कैमरे दोस्तों वैसे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके दोस्तों बैक पैनल में ही हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और इसकी दोस्तों जो डिज़ाइन है वो सेम दोस्तों A50 और दोस्तों जो मिड रेंज फ़ोन आते थे सैमसंग के A41 सेम उसी हिसाब से दी गई है। यानी दोस्तों इसका जो 20 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलता है डिस्प्ले के अंदर। तो दोस्तों इस तरह के जो डिज़ाइन दी गई है जो दोस्तों काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है सैमसंग की तरफ से, बट 11,500 में दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा कुछ मिलता है इस फ़ोन के अंदर। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो दोस्तों हमें F40 मिलती है 14,500 में। वही बैटरी दोस्तों हमें 11,500 में मिल रही है M21 2021 मॉडल के अंदर। इसका चार्जर 215 वॉट का है बट ये सपोर्ट दोस्तों 18 वॉट के चार्जर को करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की प्रोसेसर की। दोस्तों प्रोसेसर के मामले में ये फ़ोन काफ़ी पीछे है क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में हमें वही प्रोसेसर देखने को मिलता है जो हमें F41 में मिलता है 9611। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पुराना है सैमसंग का और सैमसंग दोस्तों इस प्रोसेसर को काफ़ी टाइम से अपने फ़ोन में देता चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करनी होती, ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी होती, उनको चाहिए होता है एक नॉर्मल यूजेस के लिए फ़ोन और वो भी दोस्तों सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग ब्रांड ऐसी है जिस पर लोग आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो दोस्तों 10 से 12,000 रेंज में आए, लेटेस्ट हो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हो, सैमसंग का भरोसा हो और कैमरे दोस्तों काफ़ी अच्छे हों, बैटरी काफ़ी बड़ी हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को वेट कर सकते हो। 11,500 में आपको 4GB 64GB वाला कॉम्बिनेशन मिल रहा है, सैमसंग का भरोसा मिल रहा है और वो भी दोस्तों सैमसंग का एम सीरीज का फ़ोन मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो। कैमरे के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, दोस्तों डिज़ाइन के मामले भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है और प्लस दोस्तों बैटरी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है इसकी 6000 mAh की जो कि दोस्तों आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे सकती है। अब दोस्तों ये फ़ोन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए जी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो लोग ज़्यादा गेमिंग करते हैं या जो दोस्तों ज़्यादा अपना सोशल मीडिया पर रहते हैं, ज़्यादा दोस्तों मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका दोस्तों ये प्रोसेसर है वो काफ़ी पुराना है और वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लैगिंग करता है। जब ज़्यादा आप हैवी गेमिंग करते हो तो दोस्तों जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा लैगिंग करता है। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आप गेमिंग करने के लिए, आपको ज़्यादा हैवी गेमिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए, तो दोस्तों आप इसकी जगह रेडमी का नोट 10S या दोस्तों रेडमी का कोई भी सीरीज का 10 सीरीज कोई सा भी फ़ोन ले सकते हो जिसमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको गेमिंग से कोई मतलब नहीं है तब दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सैमसंग का भरोसा है और दोस्तों सैमसंग का नया फ़ोन है जो दोस्तों 26 जुलाई से आपको मिलना शुरू हो जाएगा Amazon के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।